प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंघाठिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये इकाई 3 है आपकी सामाजिक विज्ञान की, जो पाठ्यपुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो इसमें न्यायपालिका का जो चैप्टर नंबर 5 है, न्यायपालिका के नेम से है, इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो आपकी पाठ्यपुस्तक है, और चैप्टर का नाम क्या है, न्यायपालिका। तो चलिए देखते हैं। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। हमारे देश में किसका शासन चलता है प्यारे बच्चों? हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक जो है वो न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, और यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है, यानी कि सरकारों के अधीन नहीं है, सरकारों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? तो इस अध्याय में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो न्यायपालिका जो है उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, ये आप सभी को मालूम है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अध्याय में, धीरे धीरे हमारे सभी जो प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो हमें मिलते चले जाएंगे। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, यानी क्या क्या बेसिकली न्यायपालिका काम करती है। तो सबसे पहले तो वो विवादों का निपटारा करती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवाद, यानी विभिन्न तरह के, देखिए एक तो न्यायिक व्यवस्था जो नागरिक हैं, नागरिकों की आपस में, जैसे कोई दो व्यक्ति की आपस में कोई विवाद हो गया, नागरिक और सरकार का कोई विवाद हो गया, दो राज्य हैं उनकी आपस में सरकारों के बीच में कोई विवाद हो गया, या फिर किसी एक राज्य सरकार की किसी जो अपने पूरे देश की जो यानी कि केंद्र सरकार जो है उसके साथ कोई विवाद हो गया, तो इन सभी तरह के विवादों का निपटारा, तो इनको हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। उसके बाद ये दूसरा न्यायिक समीक्षा, देखते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होती है। देखिए यहाँ पर एक एक जो पैराग्राफ है इसमें आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं तो वो भी हम दिखेंगे। अगर प्रश्न आए कि न्यायिक समीक्षा किसे कहा जाता है तो आप इसका उत्तर ये लिख देंगे। चलिए देखते हैं। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप एज इट इज अपनी जो कॉपी है उसमें नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन डालेंगे कि न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, तो आप इस पूरे पैराग्राफ को उसके उत्तर के रूप में लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ये भी इसका एक कार्य है। यानी अगर देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हकीम शेख के बारे में पढ़ा था, जो कि एक खेतिहार थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, और फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों को लापरवाही के कारण हकीम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो
यहाँ पर पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 के द्वारा ये तैयार किया गया था। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। उसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर दिया। ये इमारत है हमारी। चलिए आगे देखते हैं। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। विवाद की किस्म, यानी आपको कोई भी केंद्र और राज्य के बीच कोई भी विवाद, दो राज्यों के बीच कोई भी विवाद, दो नागरिकों के बीच कोई भी विवाद, या ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं और अब हटा दिए गए हैं, ऐसे कोई भी उदाहरण आपको यहाँ पर छांट कर लिखने हैं, तो ये आप अखबारों की मदद ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायतकर्ता दिखाई देता है। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते और स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसले सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू क्या है? शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती हैं। तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का भी कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता जो अदालतें होती हैं उनको भारी ताकत देती हैं। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह भी अदालत में जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो देखिए, हमारे देश में तीन अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। तो जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले छोटी छोटी बहुत सारी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनके ऊपर जो है जिला न्यायालय होता है, और इधर से भी जैसे मान लीजिए कोई दो जिले हैं तो इनके भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, तो उनका एक जिला न्यायालय होगा, और उसके बाद इन बहुत सारे जिलों के ऊपर एक जो है वो उच्च न्यायालय होगा जो कि पूरे राज्य का होगा। और बहुत सारे राज्य होंगे, मान लीजिए ये राज्य है और भी राज्य हैं, तो पूरे भारतवर्ष का यानी पूरे देश का एक न्यायालय होगा जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जिला न्यायाधीश होता है एक, उसके बाद राज्य का न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों के ऊपर कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है और देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्र को भरें। तो हम यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर जिला न्यायालय, फिर हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय,
और फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे उच्चतम न्यायालय। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भर लेंगे अच्छे से, ये पिरामिड है। चलिए तो बात करते हैं उच्च न्यायालयों की स्थापना। सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेजिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, बल्कि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, क्योंकि तब से इनको अलग कर दिया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों को राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बैच भी बनाए जाते हैं। ये मद्रास उच्च न्यायालय है। चलिए, क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एक के बाद मतलब सब गुथी हुई हैं, सब जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने जरूरी होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले अपनी जिला कोर्ट के अंदर जाकर के कोई मुकदमे का जो है वो वहाँ पर पेश किया, तो मान लीजिए उन्होंने जो निर्णय लिया आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य बनाम दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय, निचली अदालत से शुरू होकर के सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 में फरवरी, देखिए यहाँ पर ये पटना उच्च न्यायालय है और ये वाला कर्नाटक उच्च न्यायालय है। ये चलिए, तो लक्ष्मण कुमार का जो यहाँ पर मुकदमा था उस पर देखते हैं, पढ़ते हैं। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहाँ लक्ष्मण के भाई उनके परिवार भी रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो चार पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार किया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। फिर क्या हुआ, 1983 में नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। देखिए यहाँ पर मौत की सजा सुनाई, यहाँ पर बरी कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। तो उच्च न्यायालय में उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी।
1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो देखिए, तीन बार जो है बार बार उनकी जो सजा है, या उनको पहली बार सजा सुनाई गई, फिर उनको बरी कर दिया गया, फिर उनको सजा सुनाई गई, तो तीन बार जो है उनका जो जो भी निर्णय था वो बदला गया। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, उन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न जो इमारतें हैं उनके चित्र भी साथ साथ में दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। देखिए, दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध और अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है, और फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखिए। तो देखते हैं फौजदारी कानून क्या होता है। तो ये वे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या करना, ये सब फौजदारी कानून होते हैं। लेकिन दीवानी कानून क्या होते हैं, इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन और अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक, ये जो संबंधित विवाद होते हैं ये दीवानी विवाद होते हैं, और फौजदारी कानून जो अपराध होते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना यानी FIR दर्ज कराई जाती है, इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है, और उसके बाद केस फाइल किया जाता है अदालत में। और यहाँ पर दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है डायरेक्टली, और अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जाता है, अगर इस तरह का फौजदारी कानून हो तो। लेकिन अगर दीवानी हो तो अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। तो इस तरह से चलिए, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया है, और न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, और न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था, और बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये चित्र देखिएगा। चलिए,
क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो बच्चों को दोपहर का जो भोजन है मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाई ओर दिए गए चित्रों को आपने देख लिया है, नीचे गए दिए गए विवरण को पढ़ते हैं। चित्र एक में वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था और सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। तो इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी और याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है और राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया कि उनके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। तो न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दो खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया था। तो देखिए इस तरह से ये मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो शुरू हुई थी। इस तरह से ये चित्र हमने देख लिए हैं। चलिए, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है, इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी की के लिए जो है नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। जबकि पहले वाले फैसलों यानी जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। तो न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। तो इस चित्र में ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में 22 मई 1987 में मारे गए हाशिमपुरा में के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इससे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी में 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप के में मुकदमे चलाए थे और इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। चलिए, तो इस तरीके से ये 22 मई 1987 से लेकर के 22 मई 2007 तक चला। तो भारत में अगर हम न्यायाधीशों की संख्या पर विचार करें तो उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद 34 है और 34 ही कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय में 1000 देखिए यहाँ पर और इस तरह से कार्यरत पद हैं और रिक्त पद इतने हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में कुछ 22,000 कार्यरत, 17,000 है लेकिन 5,000 के आसपास जो है लगभग रिक्त पद हैं। खैर ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, ये 1 नवंबर 2019 की स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और यह हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी पहलू है। तो चलिए, अभ्यास कार्य जो हैं वो लगभग आप कर चुके हैं। ये उत्तर भी हमने भर दिया था जो पिरामिड में भरना था
और बुक से मौत जिम्मेदार कौन, ये एक पोस्टर है। और कुछ शब्द संकलन यहाँ पर किया गया है, ये भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट करना चाहिए। बरी करना क्या होता है, यानी जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहते हैं, बाइज्जत बरी करना जिसे आप कहते हैं। अपील करना क्या होता है, निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार करने के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे अपील करना कहते हैं। मुआवजा क्या होता है, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले जो पैसे होते हैं उनको मुआवजा कहा जाता है। बेदखली, अभी लोग जिस जमीन या मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए तो उसे बेदखली कहा जाता है। उल्लंघन क्या होता है, तो किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की प्रक्रिया जो होती है वो उल्लंघन कहलाती है। चलिए, बाकी इसमें कोई खास प्रश्न नहीं है, जो भी है बेसिक सा ये चैप्टर है हमारा। और चलिए फिर भी एक दो प्रश्न इसके देख लेते हैं, तो आपके पाठ से संबंधित कुछ एक दो प्रश्न हैं देख लेते हैं। न्यायपालिका क्या है, तो न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है जो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देती है या न्याय देने का कार्य करती है, और यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न देखिए, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि न्यायपालिका क्या क्या कार्य करती हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हमें निम्न कारणों से न्यायपालिका की आवश्यकता है। एक तो कानून का शासन स्थापित करने के लिए, विवादों का निपटारा करने के लिए, न्यायिक समीक्षा के लिए, कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए, और संविधान की व्याख्या करने के लिए। तो ये सब काम जो है वो न्यायपालिका करती है, और इन्हीं कामों को करवाने के लिए हमें न्यायपालिका की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि कोई न्यायपालिका जो है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करे और न्याय दे, उसके कार्यों में कोई राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप या किसी का दबाव न हो, यानी कोई राजनेता वगैरह, यानी कोई भी राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप या कोई भी दबाव उस पर न हो, तो हम उसे कहेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन थे आपके चैप्टर में जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी कुछ जो बीच बीच में क्वेश्चन थे वो हमने बीच बीच में ही डिस्कस कर लिए थे, तो वो भी आप वीडियो को देखते हुए पूरा नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, चैप्टर आपका पूरा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, और इसी से रिलेटेड काफ़ी आगे की जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे हमारी अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।